एमसी स्टैन। आप लोग तो इस बंदे को जानते ही होंगे। आखिर क्यों एमसी स्टैन अपनी जान लेना चाहते हैं? जो एमसी स्टैन की स्टोरी साफ बता रही है, जिस स्टोरी में उन्होंने खुद बताया है, हे अल्लाह मुझे मौत दे दे। और बहुत टाइम से यही स्टोरी पोस्ट अपलोड की जा रही है, जिसका रीजन जानने के लिए उनके फैंस कब से बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से एमसी स्टैन को मौत से प्यार हो रहा है। इस वीडियो में आप लोग सब कुछ जान पाओगे। तो करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के हुए शुरू। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को भी पता ही होगा, एमसी स्टैन रोड से करोड़पति बने हुए हैं। उन्हें बचपन से लेकर आज तक सिर्फ रैपर बनने का शौक था और वो बने हैं और उनका ड्रीम पूरा भी हुआ है। और इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी अपनी लाइफ से परेशान है। दोस्तों इसका सीधा सा साफ रीजन ये है, एमसी स्टैन की एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक दिन उनके बीच झगड़ा हो गया जिसके कारण उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। और इस ब्रेकअप का सबसे बड़ा रीजन ये था कि एमसी स्टैन की गर्लफ्रेंड पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही है। एमसी स्टैन की गर्लफ्रेंड उन पर ट्रस्ट नहीं करती थी, जिसकी वजह से वो ब्रेकअप कर लेती है। और दूसरी तरफ एमसी स्टैन अपनी हालत खराब कर बैठे हैं और वो डेली नशे में और दारू पी के शाम को एक स्टोरी अपलोड करते हैं, जिसमें वो सिर्फ खुद के लिए मौत ही मांग रहे हैं। देखिए दोस्तों, इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी एमसी स्टैन लाइफ में खुश नहीं है। और दोस्तों मुझे लगता है फ्यूचर में उनकी गर्लफ्रेंड उनके पास वापस आ सकती है, लेकिन अभी इस टाइम उनकी बहुत खराब लाइफ चली हुई है, जिसके कारण वो अब लॉन्ग टाइम बाद अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, क्योंकि अभी एमसी स्टैन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। और दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग भी एमसी स्टैन के सच्चे वाले फैन हैं, तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, तभी आपको न्यू वीडियो आएगी।